ये निकल गया ना रेड, ये देखो एक एक करके इसके ऊपर ये वाइट डॉट लगाओ। अब इनका साइड चेंज कर लूं। वाओ, ये वाली डिश रेडी है। देखो मैं आज नई रेसिपी लाई हूँ, कमेंट जरूर कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आज देखो हम चावल की एक रेसिपी बनाने लगे हैं। कच्चा चावल ले लो, जैसे मैंने एक कप ले लिया, ये देखिए। इसको भिगो देंगे थोड़ी देर, 5-6 घंटे भिगो देना। ये मैंने ग्राइंड कर लिया इसको, चावल को ऊपर वाला पानी निकाल के ग्राइंड करके इस तरह का हमारे पास आना चाहिए। देखो ये देखो, अब आगे काम शुरू करते हैं। ये हमारे पास रेडी आ गया चावल का जो घोल है, मिक्सर में कर लिया हमने। आज हम ये कलर्स ले लेते हैं अपनी रेसिपी के लिए, ये वाले रेड एंड ग्रीन, और बहुत सेफ कलर्स हैं और अच्छे कलर्स यूज़ करना अपनी रेसिपी के लिए। खाने के लिए हमेशा अच्छे कलर यूज़ करने चाहिए, तो आज मैं रेड एंड ग्रीन लेने लगी हूँ। ठीक है, चलें आगे रेसिपी शुरू करते हैं। राइट, होंगी 3 तरह के आटे बना रही हूँ। कैसे बना रही? ग्रीन थोड़ा कम चाहिए तो ये 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। ये देखिए हो गया, ज़्यादा नहीं डालना, एक चुटकी भर से ज़्यादा कलर बहुत गंदा सा हो जाएगा। इसमें हल्का सा नमक डाल, ये देखो थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं, तेज ना हो जाए नमक, 1/4 से भी कम है। और हल्की सी अजवाइन, लेस देन 1/4 टेबल स्पून, ये देखिए। इससे नमक, अजवाइन और ग्रीन कलर डाल दिया हमने। और इसके बाद हम मैदा डालने लगे, देखो पहले 1/2 टेबल स्पून, फिर 1/2 टेबल स्पून, और इसको 1 चम्मच घी भी डाल, ये डाल रही हूँ मैं। जैसे पूड़ी का आटा बनता है ना टाइट वाला, वैसे ही रखना है हमने। ये देखो पूड़ी से जैसा ही है। इसको कवर करके रखने लगी हूँ थोड़ी देर, 10-15 मिनट। ये देखो लग दो अभी। और एक हमें वाइट चाहिए, ये वाइट बनाने लगे हम। 1 चम्मच घी, नमक और अजवाइन अगेन थोड़ी थोड़ी डालना, ज़्यादा नहीं। ये देखिए वेरी, इसमें हल्की सी अजवाइन अगेन, देखिए। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मैदा, ये हो गया हमारा 1 टेबल स्पून। और ये देखिए अब इसको भी मैं ढक के रखने लगी हूँ, इसको इसमें रेड कलर बना लेते हैं। अगेन 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, ये हो गया। ऑयल के बाद फिर हल्का सा नमक, लेस देन 1/4 टेबल स्पून, 1/4 से भी कम है। इसी तरह अजवाइन भी बहुत थोड़ी सी, 1/8 लेनी है। ये देखिए सेम, ये हो गया। इसमें अब लाल कलर का बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, लाल कलर लेंगे। ये देखिए, ये बैक साइड से, चम्मच के बैक साइड से, ये देखिए। अब रोज फ्लावर कलर, ये हो गया। अब इसमें मैदा मिला लेते हैं, हाफ अभी 1 डाला है मैंने। इसमें मिक्स कर लो, अभी वाइट वाइट नहीं दिखना चाहिए। अब ये देखो रेड कलर आ गया हमारे पास, पूड़ी जैसा आटा है। अब इसको ढक के रख देते हैं, फिर इसको ढक के। हाँ जी, ये देखो अब हमारे पास 10-15 मिनट हो गए हैं सारे आटे, फिर एक बार मल लो इनको। ये देखो बिल्कुल सही है ना, टाइट, पूड़ी से थोड़ा सा टाइट है। ये हो गया ग्रीन कलर, ये हो गया हमारा वाइट कलर। और मल लो एक बार थोड़ा थोड़ा, ताकि ये पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये वाइट कलर। और ये हो गया हमारा रेड कलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, अब जो मैं बताने वाली हूँ। देखो हमारे पास घर में ऐसी वाली डिबियाँ आराम से होती हैं, देखो इनका ढक्कन चाहिए हमें, ये ढक्कन चाहिए, या ये साइज़ अकॉर्डिंग टू आवर साइज हम देखेंगे। एक मेरे पास ये ढक्कन है, ये एक ये है, और एक ये छोटा ढक्कन है, ये वाला बॉटल का है ये, और ये भी बॉटल का ढक्कन है। ये ऐसे वाले ढक्कन घर में होते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इनको बेलेंगे। इसको बेलो, ग्रीन हमने कम लिया था ना, ये देखो ये हो गया ना। अब मैं सबसे छोटा ढक्कन लेने लगी हूँ, देखो कितने निकलते हैं हमारे, ये निकल आए ना हमारे ग्रीन। अब इसको भी एक प्लेट में रखते हैं, इसको निकाल लेते हैं सबको। ये मैं रखने लगी हूँ छोटी प्लेट में, ये देखो हमारे ग्रीन निकल आए सारे डॉट्स। अब हम रेड भी बना लेते हैं। अब देखो इसको मैं बेलने लगी हूँ,
थोड़ा पेल लो ये। ये मैंने पूरा बेल लिया जितना रोटी का जितना होता है ना जैसे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आप देख, मान लो हम ये डिज़ाइन रख रहे हैं बड़ी डिब्बी थोड़ी लेके, ये देखो तीन चार निकाल रहे हैं इसे रेड से, ये देखो ये निकल गए ना रेड, ये इनको अलग करो। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो ग्रीन है ना हमारे उनको लेते हैं और थोड़ा सा पानी लगाते हैं इसके ऊपर, पूरा पूरा पानी लगा दो। ये पानी लगा दिया हमने। अब देखो हमारे पास ये डॉट्स हैं, हम कैसे सजाएंगे इनको, देखो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4 and 5 रख लेते हैं इनको। देखो हमने 5 डॉट्स रख दिए ना इसके ऊपर। अब ऐसे सबके ऊपर पहले रख लेते हैं। अब इसको ऐसे सीधा करो व्हाइट को, ये देखो ये व्हाइट बचा हुआ है ना इनके ऊपर, ये सेंटर में रखो और अच्छी तरह दबा लो इसको, ये देखो इसको पानी जरूर लगाना नीचे, नहीं तो सब उतर जाएंगे आपके, मेहनत बेकार जाएगी सारी, क्योंकि इसको चिपकना चाहिए। और इनके ऊपर हम काली डॉट्स लगा देते हैं। काली मिर्च में भी पानी लगा के करना, ये देखो मैंने पानी से भिगोई हुई है। सेंटर में एक एक काली मिर्च लगा देते हैं, ये देखिए 2, 3, 4, ये देखो हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया ना। अब इसको हल्का सा दबा लेते हैं, इसको ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबाना है बस, ताकि वो साथ में फिक्स हो जाए। देखिए इस साइड करो, ये देखो ठीक है। अब इसको मैं अलग प्लेट में निकालने वाली हूँ। इसके नीचे ऑयल लगा लो, फिर से प्लेट में ऑयल होना जरूरी है। प्लेट दिखाती है, देखो ये बन गया। अब इनको हम आगे प्रोसेस करते हैं। ये दो टिक्की हमारे पास बची है ये, और इतना सा बचा है ये वाइट, ये देखो छोटा सा वाइट बचा और दो टिक्की बची है। और इसको हम क्या करते हैं, ये ग्रीन के ऊपर पानी लगा दो, यहाँ पर इसके ऊपर ये वाइट रख दो, ये देखो, और फिर से काली मिर्च लगा दो इधर गीला करके, ये देखो ये जो बचा हुआ है हमारे पास, एक ये ग्रीन टिक्की और बची है ना, ये देखो ये फिर से पानी लगाओ ऊपर और फिर से थोड़ा सा वाइट डालो और ये दबा दो वाइट को ऐसे, और इसके ऊपर अब काली ये लगा दो, ये देखो ये हो गया। और देखो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, पूरा यूज़ हो गया हमारा राइस, ये देखो सुंदर लग रहा है ना। अब ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये पैन लिया, गैस के ऊपर रख दिया पैन, और इसमें अब ऑयल डालने वाली हूँ। ये मैंने ऑयल ले लिया, अब इतना सा डाल के चेक कर लेते हैं। तो हीट अप हो गया ना हमारा, दोबारा निकाल दो और अब गैस को सिम करो। रेड वाली डालने लगी हुई, देखो आराम से डालना, वेरी केयरफुली, ताकि इनकी बिंदी बिंदी ना उतरे। 3, 7 और ये छोटी। अब इनको पकने दो गैस सिम करके। अब इनका साइड चेंज कर लूं, आराम से करना। छोटी वाली निकाल लो, छोटी वाली हो चुकी है साइड करके, ये देखो हो गया ना चेंज, व्हाइट कलर चेंज हो गया, वहाँ से पता लग रहा है कि ये कुक हो गई है।
ये छोटी वाली को कर चुके हैं, इसको निकाल लो। ये निकाल रही हूँ मैं, अब ये हो गई देखो, वाइट चेंज हो गया ना कलर, क्योंकि रेड और ग्रीन से ज्यादा पता नहीं लग रहा। ये हमने निकाल ली, कुक हो गई ना हमारी। बस अभी चटनी के साथ डेकोरेट कर लेते हैं प्लेट को, सर्विंग प्लेट में लगा के। ये देखें कैसी बनी है, ये देखो, ये देखो कितनी कड़क है ना, वाह। ये चाय के साथ खाने वाली है, बिल्कुल नमक सही है, अजवाइन सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत अच्छी बनी है। और नमक कम ही रखना, बहुत अच्छा है नमक इसमें। वेरी टेस्टी। देखिए हमारी ये वाली डिश रेडी है। हमारा चैनल है डॉक्टर फिट फूड, और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कैसी लगी ये। और ये चैनल इज डॉक्टर फिट फूड, एंड हाउ डिड यू लाइक दिस रेसिपी, एंड यू मेक इट, इट्स वेरी इजी टू मेक। मेहमान आएंगे, सुंदर कितनी लग रही है देखो।